ब्रेक के बाद स्वागत है। संभल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने विशाल पैदल इंसाफ मार्च निकाला, जो सराय त्रिन से शुरू किया। चौधरी सराय होते हुए संभल एसडीएम ऑफिस आकर गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें उत्तर प्रदेश पश्चिम की अगुवाई में उन्नाव गैंगरेप एवं कठुआ मासूम आसिफा के हुए बलात्कार एवं हत्या के विरोध में इंसाफ की गुहार लगाने की अपील की, जिसमें जिला अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान आलम, एडवोकेट एवं पार्टी के समस्त कार्यकर्ता दानिश सैफी, तनवीर अहमद, मोहम्मद हसीब उर रहमान, जुनैद कुरैशी, नईम अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश महासचिव यहाँ हम इसलिए आए हैं और हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मुहिम चालू की है कि ये देश किसी एक विचारधारा के मानने वालों का देश नहीं है, बल्कि ये देश हर उस हिंदुस्तानी का है जिसने यहाँ पर जन्म लिया है और जो इस भारत की धरती से प्यार करता है। ये देश किसी एक विचारधारा के मानने वालों का नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सबको बराबर इंसाफ मिले, सबके साथ इंसाफ हो। और हम ये भी चाहते हैं कि जो जिन वादों पर ये हुकूमत आई है उन वादों को पूरी तरीके से निभाए। ये बहुत सारे वादे किए गए थे नौकरी देने का, और बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन हम उसको भी फरामोश कर देते हैं, हम उसको भी भूल जाते हैं कि आपने कोई वादा नहीं निभाया। लेकिन एक अहम वादा जो हमने ये सोचा था कि यहाँ पर हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी माओं की और उनकी बेटियों की, उनकी बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाएगी, उस नारे में एक ये भी था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, यहाँ तक के खुद हुकूमत में बैठे हुए लोग उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। आप देख लिए आगरा के अंदर अगर कोई कांड होता है, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो वहाँ का एबीवीपी का अध्यक्ष निकलता है। और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर हम ये देखें, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, उसके साथ जो कुछ हुआ, और एक पवित्र स्थल को अपवित्र भी किया गया और उस पर जुल्म है कि श्री राम के नारे और तिरंगे को लेकर उन कातिलों को, उन जालिमों को, उन बलात्कारियों को बचाने की खुद हुकूमत के मंत्रियों ने कोशिश की। ये तिरंगे का भी अपमान है, पवित्र स्थल का भी अपमान है। और इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो कसूरवार हो, चाहे वो सुमन के कसूरवार हो, सुमन के साथ लेकर रेप करने वाले, चाहे वो आसपा के साथ लेकर रेप करने वाले। और ताज़ा खबर जो अभी कुछ दिन पहले आई है कि गूंगी और बहरी बच्चियों के साथ, 8 बच्चियों के साथ, जिनमें 6 साल की बच्ची है, एक बलात्कारी ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया, उन 8 गूंगी और बहरी, उसकी एक खास बात मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि ये सब घटनाएं जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं ताकि इसमें हुकूमत के लोग भी इन्वॉल्व हैं और उनको बचाना चाहते हैं। और ये घटना इसलिए हो रही है कि बलात्कारियों के मालूम है कि हमारा संविधान तो मजबूत है, लेकिन संविधान को चलाने वाले और कानून के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग वो खुद इन लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, इसलिए बलात्कारी पूरी तरीके से खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। हमारी डिमांड ये है, संबल यूनिट की भी डिमांड ये है कि हम इन बलात्कारियों को तख्ते दार पर पहुंचाना चाहते हैं, इनको ऐसी सजा दी जाए ताकि इनकी रूह कांप जाए और इनका अंजाम देखकर कभी किसी की आंखों में, चाहे वो हुकूमत पे बैठा हो या आम आदमी हो, उसके कभी भी किसी नाबालिग वो किसी भी मासूम बच्ची को अपनी अवस्था शिकार न बनाए। और आखिर में हम ये 18 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पूरे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाया है, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, यूपी, दिल्ली, 11 स्टेट से हमारे लोग आ रहे हैं, जहां पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, इंसाफ मार्च होगा।